अगर हम ब्लशेस की बात करें तो काफी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड ब्लशेस या क्रीम ब्लशेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के ब्लशेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आज के वीडियो में मैं एक ऐसे ही लिक्विड ब्लश के बारे में अपना जो ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे पर्सनली पहले पाउडर ब्लशेस लगाने पसंद थे, बट जैसे मैंने मेकअप करना सीखा या मुझे ब्लेंडिंग अच्छे से करना आया तो आई ऑल्सो ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स दी लिक्विड और दी क्रीम ब्लशेज। एंड आई वुड से दैट मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट इज एब्सोल्युटली बाय रेयर ब्यूटी। रेयर ब्यूटी के जो लिक्विड ब्लशेज हैं दे आर सो ब्यूटिफुल एंड बहुत आसान है वो ब्लेंड करनी, लेकिन दे आर ऑफकोर्स ऑन द वेरी प्राइजियर साइड। 2900 रुपीज का एक ब्लश है उनका, विच इज सर्टनली नॉट वेरी अफोर्डेबल। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई अदर ब्रांड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है लिक्विड या क्रीम ब्लशेज के। एंड क्योंकि मैं एक ऐसा ब्लश ढूंढना चाह रही थी जिसको मैं रेयर ब्यूटी के ब्लशेज से कंपेयर कर सकूँ, मैंने काफी सारे ब्रांड्स ट्राई किए और आज के वीडियो में मैं ऐसे ही एक लिक्विड ब्लश के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज जिन लिक्विड ब्लशेज की मैं बात करूंगी दे आर बाय द ब्रांड मेकअप रेवोल्यूशन। एंड ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है ये नायका पे अवेलेबल नहीं है, मैंने इन ब्लशेज को भी एच ओ के मेकअप से खरीदा है। इट इज जस्ट लाइक नायका और अमेजोन, अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 2 या 3 वर्किंग डेज में वो ऑर्डर आपके घर में डिलीवर हो जाता है। सो यस, दैट इज वॉट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेज वीडियो। फॉर गोइंग इन टू द स्वॉचेज या इनका क्लोजअप शॉट्स दिखाऊं मैं आपको, उससे पहले आइए बात करते हैं थोड़ा सा इनके प्राइस पॉइंट के बारे में। ओके, सो आई हैव माई फोन राइट हेयर और क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है इनके बारे में ज्यादा, सो आई वुड बी रीडिंग फ्रॉम माई फोन। सो दीज पर्टिकुलर ब्लशेज आर कॉल्ड मेकअप रेवोल्यूशन ब्लश बॉम क्रीम ब्लशेज। सो है तो ये लिक्विड ब्लशेज ही बट दे आर समहाउ रिफर टू एज क्रीम ब्लशेज। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही चंकी सी सिलेंड्रिकल पैकेजिंग में अवेलेबल है एंड इसका जो एप्लीकेटर है इट इज अ डो फुट एप्लीकेटर विच इज वेरी सिमिलर टू द रेयर ब्यूटी वन। रेयर ब्यूटी की जो पैकेजिंग है इट इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर, बस उसका जो सिलेंड्रिकल पैकेजिंग है दैट इज कंपैरेटिवली थिनर एंड लॉन्गर कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर वन। बट ऑनेस्टली मुझे इसका भी काफी क्यूट लगा था बिफोर आई बॉट दिस ब्लश। एंड इफ यू नो मी यू माइट नो कि आई एम अ सकर फॉर गुड पैकेजिंग। सो जब भी मुझे कुछ अच्छी क्यूट पैकेजिंग में प्रोडक्ट्स मिलते हैं सो आई ट्राई टू गिव दोज प्रोडक्ट्स अ ट्राई। अब अगर हम इन पर्टिकुलर ब्लशेज की बात करें सो ये जो ब्रशेज हैं दीज आर अवेलेबल इन 5 डिफरेंट कलर ऑप्शंस एंड मेरे पास उनमें से 2 कलर्स हैं। एंड इनका जो रिटेल प्राइस है दैट इज 750 रुपीज एंड दैट इज वे लेस देन द रेयर ब्यूटी वंस। बट यस, आई डिड गेट दीज ब्लशेज ऑन अ डिस्काउंट जिसकी वजह से मुझे और भी काफी अफोर्डेबल पड़े थे ये ब्लशेज। सो यस, दीज आर द 2 कलर्स दैट आई हैव विद मी। जो पहला कलर मेरे पास है दिस इज लाइक अ लाइट पिंकी सॉर्ट ऑफ अ कलर विच इज कॉल्ड डॉली रोज। एंड दूसरा जो मेरे पास है दिस इज अ पीच एंड दिस इज कॉल्ड पीच फिल्टर। इस वक्त मैंने ये दोनों ब्लशेज अपने चीक्स पे लगा रखे हैं। आई विल जस्ट इंसर्ट अ लिटिल क्लिप ऑफ मी अप्लाइंग दीज ब्लशेज। मैंने 2 डॉट्स एज कलर के ब्लश के लगाए हैं अलॉन्ग विद 2 डॉट्स ऑफ द पिंक वन एंड आई ब्लेंडेड देम टुगेदर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग एंड ये कैसे हैं एंड यू ऑलरेडी सॉ कि ये ब्लेंड करने में कैसा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इज इट रियली कंपेरेबल टू द रेयर ब्यूटी ब्लशेज। फर्स्टली दीज आर वेरी नाइस ब्लशेज, एवरीडे यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी इजी टू ब्लेंड एंड बहुत ही एफर्टलेस ब्लेंडिंग देते हैं मेकअप और विदाउट मेकअप आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर पिंक है विच इज डॉली रोज ये तो एक बहुत ही प्यारा सा एवरीडे कलर है एंड इट इज डिसेंटली पिगमेंटेड। अगर आप 2 या 3 लाइक यू नो लिटिल डॉट्स लगाएंगे और उनको ब्लेंड करेंगे तो एक नेचुरल फ्लश ऑफ कलर देता है चीक्स को। सो दिस इज वेरी नाइस फॉर एवरीडे यूज। लेकिन अगर हम इस पीच की बात करते हैं विच इज द शेड पीच फिल्टर, ये पर्टिकुलर शेड इज नॉट एज पिगमेंटेड एज द पिंक वन स्पेसिफिकली ऑन माई स्किन टोन। एप्लीकेशन क्लिप में आपने देखा होगा कि इसको ब्लेंड करने के बाद भी ये काफी अच्छा कलर दे रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पीच कलर को फेस पे विजिबल करने के लिए 2-3 डॉट्स अप्लाई करना जरूर
जरूरी हो जाता है। इनफैक्ट इसे कई बार तो मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करना पड़ता है, स्पेसिफिकली इफ यू आर नॉट वेयरिंग मेकअप। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन अगर फेस पे फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ है तो ये जो पर्टिकुलर कलर है डू नॉट एक्चुअली शो ऑन द स्किन, और दो या तीन मल्टीपल लेयर्स या मल्टीपल यू नो डॉट्स लगानी पड़ती है टू मेक दिस पर्टिकुलर कलर विजिबल ऑन द स्किन। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका फॉर्मूला काफी अच्छा है, दे आर वेरी अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू द रेयर ब्यूटी वंस, बट माई ओपिनियन दे आर नॉट कम्पेरेबल टू द रेयर ब्यूटी ब्लशेज स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन। रेयर ब्यूटी ब्लशेज का पिगमेंटेशन इज ऑन अनदर लेवल, एंड ऑल्दो येस दीज पर्टिकुलर वंस आर वेरी अफोर्डेबल एंड येस दे हैव अ डिसेंट पिगमेंटेशन, बट इट इज नो वेयर कम्पेयर्ड टू द रेयर ब्यूटी वंस। बट इफ यू हैवन ट्राइड द रेयर ब्यूटी वन एंड आपको उसकी पिगमेंटेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, देन यू कैन एब्सोल्यूटली गो फॉर दीज पर्टिकुलर ब्लशेज, बट आई वुड रिकमेंड स्किप pink this peach blush until you are very fond of light soft peachy flush of color jo ki ye particular shade absolutely de sakta hai, but again this particular shade Dolly Rose is a beautiful one, it is absolutely stunning for everyday use and isko aap aasani se with or without makeup bhi istemal kar sakte hai. So I haven't tried other shades from the collection, but jitna bhi maine try kiya hai I absolutely love them. So that being said, that's it for today's video. Hope you enjoyed watching today. This video, if you are interested in knowing more about the liquid blushes that are available in the market, do not forget to hit the subscribe button and click the notification bell down below, because as I said, I've tried a lot of different liquid blushes and I would be talking about each single one of them in my videos. That's it for today's video. Thank you so much for watching my video. Namaste.